मैंने जिंदगी में मेरे एक मैनेजर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है जो शायद मेरे कैरेक्टर में भी आ गया। जब हम लोग, मैं मेडिकल रैप था, तो जो मैनेजर होते हैं ना, वो महीने में 3 दिन के लिए साथ में काम करने के लिए आते हैं। तो मैं चंचल था शुरू से, जिसमें कोई बहुत बड़े मकसद के प्रति सीरियसनेस नहीं थी मेरे में। तो एक बार क्या था कि वो वर्किंग के लिए आए, मैं राजस्थान में जैसे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर कई बार ऐसा स्टेज थी भी सर्दियों में 11-11, 12-12 बजे तक भी धुंध रहती थी। तो जैसे मैनेजर आए, पहले तो तमन्ना ये करते थे कि भगवान करे वो ठंड की वजह से आए ही ना, सारे ऐसे करते हैं जैसे स्कूल टूट जाए इस तरह से ना। तो पर वो तमन्ना फेल हो गई, मानी नहीं ईश्वर ने कि मैनेजर आ ही गए। तो जब वो आ गए, हम होटल में बैठे चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बड़े सालों से आ रहे थे जैसे, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर क्या ठंड बहुत है देखो ना। तो मैंने कहा भी ऐसे करते हैं, आराम से बैठते हैं, चाय और पीते हैं और काम मैं अपने आप कर ही लूँगा। बहुत सारे मैनेजर मान भी जाते थे, पर वो जो मेरे मैनेजर थे वो बहुत सड़े हुए वाले थे, है ना, जो मानते नहीं थे। पर उस दिन अचानक ही उन्होंने कहा, मैंने जैसे ही कहा, मैं कहा बॉस आज काम नहीं करते, रेस्ट करते हैं, काम सारा मैं कर लूंगा। कहता ठीक है भी, अपने रेस्ट करते हैं सारा दिन। तो समय बीतेगा तो नहीं ना, मैं कहा सर दिन तो निकल जाएगा। कहता यदि दिन निकल ही जाना है तो क्यों ना काम कर ले। फिर मैंने एक चीज लिखी, मैंने कहा भी दोनों के लिए समय बीत जाएगा, जो काम कर रहा है या जो नहीं कर रहा, बट देयर विल बी डिफरेंस इन सक्सेस, स्माइल एंड सेटिस्फेक्शन।